ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इंडिया, उसके बाद बेल आइकन दबाइए सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए। पूनम यादव, जिन्होंने भारतीय महिला टीम का सर गर्व से ऊंचा किया अपने प्रतिभा के दम पर, आज आपके सामने एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिल पिघल जाएगा। जी हाँ, पूनम यादव को कभी उनके रिश्तेदार क्रिकेट खेलने के लिए ताना मारा करते थे। आज वही पूनम यादव हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही है। पूनम यादव की मां मुन्नी देवी ने एक अखबार के इंटरव्यू में कहा कि बेटी जब छोटे बालों में स्टेडियम जाती थी, दिन भर खेलती थी, तब रिश्तेदार और नातेदार खूब ताना मारा करते थे। यहां तक सास ससुर ने भी खूब तंज कसे, कहते थे कि क्या लड़की को खेलने भेजती हो, ये भी कोई खेलने की चीज है। ये सब सुनकर मैं कभी कभी अकेले में खूब रोती थी, लेकिन कभी किसी से बताती नहीं थी। इन सब के बावजूद मैंने पूनम पर भरोसा किया और आज वह दूसरी बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल रही है, मुझे उस पर गर्व है। पूनम की माँ बताती है, दूसरों को क्या कहूँ, जब इन्हें पूनम के पिता अपनी बेटी पर विश्वास नहीं था, जब उसे 2011 में खेलते हुए रेलवे की नौकरी मिली तो इन्हें विश्वास हुआ कि खेलने से भी कुछ होता है। बीच में बात काटते हुए रघुवीर बताते हैं, मैं आर्मी में एजुकेशन सेक्टर में था, हमारे खानदान में कोई खिलाड़ी नहीं थी इसलिए चिंता रहती थी। पूनम यादव की माँ कहती है, 10 साल की उम्र में पूनम ने स्टेडियम जाना शुरू किया। पहले पूनम को बास्केटबॉल में रुचि थी, लेकिन हाइट कम होने की वजह से उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया। लोगों के तानों से तंग आकर मैंने स्टेडियम जाने से मना किया, तो उस वक्त इंडियन टीम में आगरा से खेल रही हेमलता काला को वह घर ले आई, उन्होंने समझाया तो हमने उसे फिर स्टेडियम भेजना शुरू किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।